नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम अमित यादव है, हमारी फर्म का नाम अमित एसोसिएट है। आज सर बताएंगे आपको सन 2024 के प्लस प्लस मॉडल की एनबीटी के। सर तो इसकी अगर अपन बात करें तो ये सर सारी फसलें लगभग निकालता है, मूंगफली और धान को छोड़ के। तो सर ये गेहूँ, चना, मटर, उड़द, सोयाबीन, राई और आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, लगभग सारी फसलें सर निकालेगा। वो जबरदस्त सर इसका एवरेज जाता है। धनिया भी निकालेगा सर ये, और मेथी भी निकालेगा सर, जीरा भी निकालेगा, तो लगभग सारी फसलें कवर कर जाता है ये, केवल धान को अपन छोड़ देते। तो सर अगर इसकी अगर बात करें तो सर इसके एवरेज बहुत जबरदस्त जाता है, लगभग आपका 15 से 25 क्विंटल तक चला जाता है। जैसी माल में दम हो वैसा ऊपर जाता सर। और ट्रैक्टर की अगर अपन इसमें बात करें तो सर ट्रैक्टर लगभग सारे ट्रैक्टर चल जाते हैं इसमें, आपके 25 एचपी से लेके आपके 65 एचपी तक के लगभग चलते हैं। तो ज्यादातर मैं सलाह देता हूँ कि आप 35 से लेके 65 तक का ही यूज करें। इसके सर आरपीएम की बात करें तो सर दिखाएं इसमें, अपन ट्रैक्टर के हिसाब से इसमें पुलियों को चेंज कर सकते हैं आरपीएम को ऊपर नीचे करके। सर इसमें आगे भी दे रखा है सर, चार चार तरीके से अपन लोग बदल सकते हैं इसकी स्पीड को। तो मल्टी स्पीड सर है अपने ट्रैक्टर के हिसाब से, अपनी फसलों के हिसाब से इसमें चेंज अपन कर सकते हैं। इसके अगर एलिवेटर की सर बात करें तो एलिवेटर में सर बढ़िया चैन लगी हुई है अपना, कभी 5 साल 7 साल तक कोई शिकायत ही नहीं आती। अगर सर इसके गैर बक्से की बात करें तो सर 1 साल की पूरी अपन लोग गारंटी लेते हैं, कोई दिक्कत आती है तो गैर बक्सा सर एक्सचेंज करके अपन लोग देते हैं इसे। और अगर फिर भी कोई दिक्कत का सर आती ही नहीं है, 25 साल तक ये चलता नॉर्मली अगर उसको चलाएं तो। बाकी सर बात करें इसके व्हील की तो सर 3 व्हील है इसमें, तो ट्रैक्टर पे लोड तो बिल्कुल रहता ही नहीं है, लोड फ्री एकदम से ट्रैक्टर चलता है। बाकी सर इसके अगर अपन टोकरी की बात करें तो काफी चौड़ी टोकरी दे रखी है इन्होंने, नीची भी है तो इसमें लेबर की पर्याप्त बचत होती है। नीची टोकरी की वजह से छोटे कद का कोई भी लेबर हो आराम से कवर कर जाता है, ना इसमें गवा लगाना ना कुछ करना, रूटर के माध्यम से बड़े आराम से अपनी फसलें अंदर चली जाती हैं। गीली फसल हो सूखी फसल हो आराम से निकलती है सर। और अगर अपना खिड़की को अपन इससे अपन पूरी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर चल रही हो अचानक से कंट्रोल करना, इसको सर ऊपर नीचे करके अपन कंट्रोल कर लेते हैं इसको, मशीन को अचानक से बंद करना, अचानक से इसको उठा देंगे अपन बंद हो जाएगी। इसमें सर छजना भी काफी चौड़े दे रखे हैं और बढ़िया सर सफाई होती है, बिल्कुल साफ सुथरा माल आता है, जब अनाज जाता है सीधा मंडी अपन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है घर पर छानने नुकाने की सर इसमें। अगर सर इसमें फिल्टर की अगर अपन बात करें तो सर माल जब वहां पर सर पहुंचता है वहां से इतना प्रेशर की हवा लगती है उसमें कि माल बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर उसके माल की सफाई के लिए अपन कितनी भी स्पीड उसके पंखे की बढ़ा सकते हैं, अपन कितनी भी बढ़ाएंगे इसमें फिल्टर में माल आएगा। फिल्टर को बिल्कुल ऐसे बनाया गया है कि अपना कोई भी अनाज बर्बाद ना हो, फिल्टर में आएगा यहाँ से अनाज, यहाँ से बर्म के माध्यम से पूरा वापस चला जाएगा और वापस जाके फिर से सर रिवर्स अंदर चला जाएगा, तो अपना अनाज की बर्बादी भी नहीं होती और बिल्कुल साफ सुथरा निकलता है इसमें अनाज। बरम में इसमें सर टूटने की भी सर कोई शिकायत नहीं है, अगर अपना अनाज जाता है तो 1% में इसमें टूटने फूटने की कोई शिकायत नहीं आती, बड़े आराम से चला जाता है। इसको लंबा सर इसलिए दे रखा कि आराम से चला जाए और कितना भी कचड़ा आ रहा हो आराम से फिल्टर होता रहे। ये सर दे रखा आपका इससे अपन पंखे बोलते इसको सर, पंखा सर इसमें 3 दे रखे हैं, तो बड़े आराम से सर माल की सफाई होती है। और इसको सर इसलिए दे रखा कि कभी कभार कचड़ा उठाने लगता, कचड़े के साथ दाना आ रहा है, अपन इसको बंद कर देंगे, इसको बंद करेंगे पीछे जाएगा पूरा माल, पीछे इसमें दे रखा सर इसको, इस खिड़की को अपन लोग खोल देंगे, इसको जो खिड़की दे रखी सर इसे खोल देंगे और माल पूरा वापस इसी में आ जाएगा और बड़े आराम से फिल्टर होके वापस चला जाएगा। तो सर ना तो इसमें सर एवरेज की कोई शिकायत है, ना इसमें कोई ट्रैक्टर की दिक्कत है सर, कोई भी ट्रैक्टर हो बड़े आराम से चलाएगा ऐसे, बढ़िया एवरेज रहेगा, ना आपकी लेबर की पर्याप्त बचत होती है, सीधा ट्राली में आपका एलिवेटर के माध्यम से माल जाएगा, आपका गवाह आपको देना नहीं है सर, फसलें लगभग सारी कवर करता है, तो बढ़िया मशीन है सर, लाजवाब मशीन है आपके लिए। इसमें सर ग्रीसिंग पॉइंट भी छोटी से छोटी चीजों का इसमें ध्यान रखा गया है, इसमें आपको ग्रीसिंग पॉइंट भी आपको हर जगह मिल जाएंगे, जहाँ आप देखोगे ग्रीसिंग के लिए तो ग्रीसिंग पॉइंट सर दे रखे हैं, जहाँ पे भी आपकी बैरिंग लगी मिलेगी तो ग्रीसिंग पॉइंट भी सर मिल जाएंगे आपको। तो छोटी से छोटी चीजों का सर ध्यान रखा गया, बढ़िया टायर दिए हैं चौड़ी गुट्टी वाले, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती इसमें सर, बढ़िया आराम से पूरा कवर करती है।
लगभग इसका वजन सर अगर देखें अपन तो वजन इसका जाता है 34-35 क्विंटल के करीब। और पूरी जो चादर लगी है जो ट्रेनों में यूज होती है वही चादर लगाई गई है, तो क्वालिटी से तो सर समझौता इसमें किया ही नहीं गया बिल्कुल। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, और कभी भी कोई दिक्कत आती है मशीन में तो हमारी मिस्त्रियों की टीम 24 घंटे के अंदर आपके खेत पे, आपके घर पे, जहां मशीन चल रही होगी वहां पे पहुंचेगी और फुल सपोर्ट देंगे आपका। आपको अगर आप पैसा डालोगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जो खिड़की के माध्यम से अपन देख सकते हैं इसमें जो रूटर लगा हुआ है, ये इसलिए लगा हुआ है कि जब भी इसमें फसल रुकने की कभी शिकायत आती थी वो शिकायत हमेशा के लिए बंद हो गई है। रूटर के माध्यम से पूरा कवर करके जाएगी छलने को, तो छलने पर जो रुकने की शिकायत आती थी फसल की पहले, अब वो रुकने की शिकायत नहीं आएगी। रूटर की वजह से एक और सर ट्रैक्टर का लोड बिल्कुल कम हो गया, तो ट्रैक्टर के लोड को कम से कम करने के लिए पूरी मशीन में जोर दिया गया है। चाहे आप व्हील को ले लो तो 3 व्हील लगाए हुए हैं, और पीछे भी सर हर चीज को सर इस तरीके से किया गया कि ट्रैक्टर पे बिल्कुल लोड ना रहे, लोड कम से कम रहे, तो सर सारी फसलें बड़े आराम से। आप सर अगर इटावा आते हो तो इटावा आके आप फोन करिए, या फिर आप इटावा में एक दिल पे प्रकाश कोल्ड स्टोर के सामने आ जाइए, मेन हाईवे पे औरैया वाले हाईवे पे मशीनें रखी हुई दिख जाएंगी आपको। अमित एसोसिएट के नाम से ऑफिस मिलेगा,